हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। अतिथि शिक्षक से जुड़ी कोई भी अपडेट हो मैं आपके पास जरूर लाता हूं। जैसे आप देख रहे हैं, भरे हुए पदों पर अतिथि शिक्षकों को स्कूल आवंटित हो रहे हैं परेशान। यहां पर आप देखेंगे तो सरकारी स्कूल में 29,000 अतिथि शिक्षकों के आदेश जारी। प्रदेश में 33,000 सीटों पर शिक्षकों के पद खाली हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो 210,000 शिक्षकों के आए थे आवेदन। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 33,000 सीटों पर शिक्षकों के खाली पद थे, इसके लिए 210,000 आवेदन आए थे, जिसमें से 29,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी कर दी गए। इसको लेकर बाकी शिक्षकों में असमंजस की स्थिति है। पूरी अपडेट देखते हैं दोस्तों। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आधा सत्र बीत जाने के बाद अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति दी जा रही है। अब अतिथि शिक्षक नियुक्ति मिलना शुरू हो गई, लेकिन 29,000 अतिथि शिक्षकों का हाल ये है कि आदेश जारी किया गया, लेकिन उनमें से अनेक विसंगतियां सामने आई। किसी में आदेश में स्कूल का नाम नहीं है, तो कई में ऐसे स्कूल हैं जहां आवंटित कर दिए गए, वहां पर पहले से पद भरे हुए हैं। इस तरह से गफलतों के कारण कई शिक्षकों की परेशानी हो रही है। बता दें कि अतिथि शिक्षक नियुक्ति रिक्त पदों पर विरोध अतिथि शिक्षक के बावजूद कई अतिथि शिक्षक ऐसे स्कूल में आवंटित कर दिया जहां पर पद ही खाली नहीं है। ऐसे में क्या होगा, आशंकित महसूस कर रहे हैं। वहीं कुछ अतिथि शिक्षकों को कोई स्कूल ही आवंटित नहीं हुआ जहां ज्वाइन कर सके, इस कारण इनकी भी परेशानी बनी हुई है। दरअसल अतिथि शिक्षक नियुक्ति इनके स्कोर कार्ड पर निर्भर करती है। इसके लिए शायद 200 अंक तक स्कोर कार्ड तक के अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। हालांकि इस बार अतिथि शिक्षक नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई, इसके बावजूद ही पोर्टल अपडेट नहीं हुआ, कारण से परेशानी हो रही। शिक्षकों की मांग है कि जल्द से उनकी समस्या का निराकरण किया जाए। तो दोस्तों जल्द से जल्द जो है सही से फिर लिस्ट जारी की जाए, जिससे कि और लोगों को भी मौका मिल सके, क्योंकि अभी जो नियुक्ति आदेश जारी किए गए उनमें काफ़ी विसंगतियां देखने को मिली है। अतिथि शिक्षक से जुड़ी और कोई अपडेट आई डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।